ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज गणेश चतुर्थी पर चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बाछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की सभी चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है, तू मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहीं पर पूर देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो, तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना, तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर से आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हा, जिसे कुम्हार मटके को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको आव में चुन दिया। वह आखा पूर कर आव में बैठ गया। एक दिन में ही आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछड़कर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आम तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आम तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए हैं। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया।
फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आँखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर शाकल बांध देता हूँ, यदि वह शाकल खुलकर मेरे में बच जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्चा मान लूँगा। तब वह आँखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब शाकल खुलकर राजा को बच गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरी बेटी बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बैठे बहू आ रहे हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खा कर आई हो। तब वे बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा कर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली, वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खान का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खा कर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खा कर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं की पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और बिंदायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़की के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि ये पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया।
जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपने पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सब साफ आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लोट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को दसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ हूँ, इसलिए दसना पड़ेगा। फिर हुआ माला फूल की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर बिंदायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब बिंदायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाए और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। बिंदायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।